ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पिक ट्रू ऑफ मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो इसके पहले के एपिसोड में आपको याद होगा कि मास्टर हाओ ग्वांग था, उसने जो है निफेंग पर अटैक कर दिया था। तो निफेंग जो अपना स्लैश टेक्निक का यूज़ करके उसका अटैक को काउंटर करता है, और हम देखते हैं कि जब उन लोग दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग को दिक्कत हो रहा था उस एनर्जी वेव के कारण। तो हम देखते हैं कि मास्टर हाओ ग्वांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि निफेंग उसका अटैक रोक लेगा और निफेंग जो है बिल्कुल सही सलामत रहेगा। तभी हम देखते हैं कि निफेंग जो है अपने मन में सोचता है कि मैंने जो अपना बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ किया, लेकिन तब भी मैं जो अपर हैंड नहीं गेन कर पाया यहाँ पर। मुझे लगता है कि मुझे कोई और टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, कोई ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा इसके खिलाफ। और फिर तभी वो जो बोल रहा है मास्टर हाओ ग्वांग को कि मेरा नया टेक्निक टेस्ट करो, और हम देखते हैं कि निफेंग जो है अपना टेक्निक परफॉर्म करने लगता है जहाँ पर उसका स्वॉर्ड भी चार्ज हो गया था। तभी वो जो है पावरफुल स्लैश टेक्निक से उस मास्टर हाओ ग्वांग पर अटैक करता है। तो वो अटैक को आता देख मास्टर हाओ ग्वांग भी अपना अटैक करता है, लेकिन निफेंग का अटैक पावरफुल होने के कारण वो अटैक जो है उस मास्टर हाओ ग्वांग को लग जाता है, जिससे मास्टर हाओ ग्वांग पीछे आ जाता है, लेकिन वो घायल हो रखा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निफेंग भी पीछे आ जाता है, लेकिन वो घायल नहीं हो रखा था, ठीक है। तभी हम निफेंग को देखते हैं जो कि बोलता है मास्टर हाओ ग्वांग को कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तक कुछ ज़्यादा ही सोच कर रखा था मास्टर किंग ऑफ ट्रू सोल्ड स्लीपिंग रियलम के बंदे के बारे में। मुझे लगा कि वो पावरफुल होगा, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा बात सुनकर मास्टर हाओ ग्वांग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है निफेंग गो टू हेल। और फिर वो जो है वहाँ पर अपनी टेक्निक परफॉर्म करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हॉटन टोकन अपीयर हो गया था। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हॉटन टोकन से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होने लगता है, जिससे निफेंग को भी कष्ट होने लगता है खड़ा होने में। तो वो जो अपने शॉट की मदद से खड़ा होने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो कामयाब भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस एनर्जी के कारण वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे, हैरान हो चुके थे। तभी मास्टर हुआंग बोलता है रूबिंग को कि ये तो हॉटन टोकन है। तो रूबिंग डरते हुए बोलती है कि मास्टर आपको जो है निफेंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये बात सुनकर मास्टर हुआंग बोलता है कि रुक जा, निफेंग के पास एक ट्रम्प कार्ड है, उसको जो है वो चीज़ यूज़ करने दो, तुम जो है निफेंग पर भरोसा रखो। तभी हम देखते हैं कि जो निफेंग था वो भी जो है डिवाइन पर्ल को बाहर निकाल लेता है, और हम देखते हैं कि निफेंग उसके अंदर अपना पावर डालने लगता है। जहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि जो डिवाइन पर्ल था वो बहुत ज़्यादा ही फ्लेम से घिरा हुआ था, और जब निफेंग उसके अंदर पावर डालता है तो वो डिवाइन पर्ल का साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा होने लगता है, और वो अपने मैक्स साइज में आ जाता है, और यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा ही फ्लेम एनर्जी निकल रहा था। तो जो डिवाइन पर से एनर्जी निकल रहा था, एनर्जी वेव जनरेट हो रहा था, वो जो उस हॉटन टोकन की एनर्जी वेव को नलीफाई कर रहा था, उसको एनर्जी को पूरा खत्म कर रहा था। तभी निफेंग बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, और फिर वो जो स्लैश टेक्निक से मास्टर हाओ ग्वांग पर अटैक कर देता है। तो मास्टर हाओ ग्वांग भी उसका अटैक को काउंटर करता है, और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों का अटैक एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी वेव जनरेट होता है, जिसके कारण मास्टर हाओ ग्वांग को पीछे हटना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो गया था। तभी मास्टर हाओ ग्वांग वहाँ पर कोई टेक्निक परफॉर्म करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान की तरफ एक एनर्जी वेव जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड अपीयर हो जाता है। और फिर तभी हमें जो है मास्टर हाउटेन के द्वारा बताया जाता है कि यह स्वॉर्ड जो है कुछ और नहीं बल्कि फाउंडर ऑफ हाउटेन क्लैन का मास्टर का पर्सनल स्वॉर्ड है, जिसका नाम हाउटेन स्वॉर्ड है। अब बोलता है कि निफेंग अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी हम निफेंग का देखते हैं जो कि तैयार हो गया था फाइट के लिए। तभी हम रूबिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूबिंग मास्टर हुआंग से पूछती है कि मास्टर ये चीज़ क्या है। तो मास्टर हुआंग बोलता है कि ये जो है एक स्वॉर्ड है, हाउटेन स्वॉर्ड है, पैट्रियार्क हाउटेन का, और ये जो है किसी भी मार्शियल किंग जो कि पीक स्टेज पर हो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर इसका पूरा पावर यूज़ किया गया तो। लेकिन जो हाओ ग्वांग था वो इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो तो बस इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रू सोल स्लीपिंग रियलम वाले बंदे को ही मार पाएगा। तो ये सब बात सुनकर रूबिंग भी डर जाती है, बोलती है मुझे नहीं लगता है कि निफेंग इसको रोक पाएगा, क्योंकि वो तो बस पीक स्टेज ऑफ सोल स्लीपिंग रियलम में ही है। तो ये बात सुनकर मास्टर हुआंग बोलता है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, ये बड़े पावरफुल है, लेकिन या तो एक स्वॉर्ड ही है ना, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा निफेंग का। अब मुझे पूरा यकीन है कि निफेंग के पास इसका हैंडल करने का कोई टेक्निक होगा। अब बोलता है कि मुझे इसका पावर से डर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ से डर बढ़ रहा है कि यह हाउटेन स्वॉर्ड जो है हाउटेन फॉर्मेशन को फॉर्म कर सकता है, और वो फॉर्मेशन जो है पूरे हाउटेन क्लैन में फैल जाएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन माना जाता है, और उससे कोई भी नहीं बच सकता है, यहाँ तक कि मास्टर किंग भी नहीं। तो ये सब बात सुनकर रूबिंग डर जाती है। तभी मास्टर हुआंग बोलता है कि डरो मत, निफेंग इसको हैंडल कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर हाओ ग्वांग ने निफेंग पर अटैक कर दिया था, तो निफेंग जो है अपना शॉट की मदद से उसका अटैक उस हॉटिन शॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस जो निफेंग का शॉट था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है।
तभी हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग उसको बोलता है कि यह वेपन जो है हाउटियन पैट्रियार्क का है और तुम्हारी यह ग्रेट ग्रेट ऑनर का बात है कि तुम इसके अंदर मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि निफिंग जो अपना डिवाइन पर्ल यूज़ करने लगता है और उस पर अटैक करता है। तो यह देखकर मास्टर हाउडोंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि टाइनी पर्ल मेरे हाउटियन शॉट को रोक पाएगा? नहीं, बोलता है कि नहीं, ये घटिया पर्ल मेरे शॉट को नहीं रोक पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो हाउटियन शॉट और वो डिवाइन पर्ल एक दूसरे से टकराते हैं जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइन पर्ल ने जो है उस हाउटियन शॉट को रोक लिया था। तो इस चीज़ को देखकर मास्टर हाउडोंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो है अपना हाउटियन शॉट का पावर इंक्रीज कर देता है। तो हम देखते हैं कि निफिंग भी अपना डिवाइन पर्ल का पावर इंक्रीज कर देता है। तो मास्टर हाउडोंग फिर अपना शॉट का पावर इंक्रीज कर देता है। तो हम देखते हैं कि निफिंग भी अपना फाइनली अपना डिवाइन पर्ल का पावर इंक्रीज कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस डिवाइन पर्ल से फायर फोनिक्स अपीयर हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव लग रहा था देखने में। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो फायर फोनिक्स है मास्टर हाउडोंग पर अटैक कर देता है। तो मास्टर हाउडोंग उसको आता देख एक शील्ड बना के उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस मास्टर हाउडोंग ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता है और वो फायर फोनिक्स है मास्टर हाउडोंग पर अटैक करते हुए गायब हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग के पूरे बॉडी पर फायर अपीयर हो गया था और वो जलने लगता है। तो ये चीज़ देखकर मास्टर हाउडियन उसको बचाने के लिए आसमान में चले जाते हैं और वो हाउडियन टोकन को मास्टर हाउडोंग के अंदर डाल देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग बच जाता है, लेकिन वो घायल बहुत ज़्यादा ही हो गया था। और फिर तभी हम देखते हैं कि वह मास्टर हाउडोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था निफिंग पर, बोलता है कि आज तुम्हें कोई भी मरने से नहीं बचा सकता है। और फिर वो जब अपना हाउडियन शॉट वापस बुला लेता है और उसकी मदद से हाउडियन शॉट फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी बीम जनरेट होने लगता है। और फिर तभी चार डिफरेंट एनर्जी बीम चार डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस एनर्जी बीम को जाता देख मास्टर हाउडियन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बोलता है कि फाइनली हाउडियन है रे, अब निफिंग तुम पहले कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग जो है उस शॉर्ट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने लगता है अपना पावर का यूज़ करके। जहाँ पर हम गौर करने की बात यह थी कि जो शॉर्ट फॉर्मेशन था वो तीन साइड से ही कम्प्लीट हो रहा था, एक साइड से कम्प्लीट नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि मास्टर हाउडियन बोलता है कि निफिंग तुमने जो है मेडिसिन किंग पीक के तरफ से हाउडियन शॉर्ट का फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ? तभी निफिंग बोलता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है और अगली बार जब मैं हाउटन सेक्ट में कदम रखूंगा तो उस दिन हाउ फैमिली का अंतिम दिन होगा, और वहां से चला जाता है। तो ये देखकर मास्टर हाउडियन बोलता है कि इसको रोको। और फिर तभी मास्टर हाउडोंग जो फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के एनर्जी बीम से सेंटर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेक्निक अपीयर होने लगते हैं और चारों तरफ फैलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि निफिंग जो नीचे आ गया था और बोलता है कि रूबिंग और मास्टर चलिए हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, और उन लोग तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, और हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग और मास्टर हाउडियन उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर निफिंग बोलता है कि ठीक है, और फिर वो जो है अपना डिवाइन पर्ल का यूज़ करता है जिसको जो है वो एक फायर फोनिक्स का कन्वर्ट कर देता है और अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि मास्टर हाउडोंग सिंड बना देता है, लेकिन वो फायर फोनिक्स उसको इग्नोर करते हुए मास्टर हाउडियन पर अटैक करता है। तो मास्टर हाउडियन अपना सिंड बनाता है, लेकिन अफसोस वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और वो जो है पूरा फायर से जलने लगता है और नीचे गिर जाता है। तो मास्टर हाउडोंग उसको बचाने के लिए चला जाता है, और तभी निफिंग बोलता है ये जो रिटर्न गिफ्ट है जो कि तुमने मुझे दिया था इतने सालों तक, और बोलता है कि आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा, और वहाँ से चला जाता है।